प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट्स, देखिए हम पहले भी कर चुके हैं, देखिए हम पहले भी ये कर चुके हैं कि जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं, उन्हें प्रिपेयर किया जाता है कि जब हम डायरेक्ट मेथड से इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, जो हमारे स्टार्च होते हैं, जिलेटिन, गम, सोप, ये सिंपल मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं, पर्टिकुलर डिस्पर्जन मीडियम का इसमें यूज किया जाता है। लेकिन दूसरी साइड जो लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स, उनके सल्फाइड मिक्सचर्स, उनको डिस्पर्जन मीडियम में डाला जाता है, तो उसमें कोलोइड्स नहीं बनते हैं, क्योंकि लायोफोबिक सॉल्ट्स बनाने के लिए एक स्पेशल मेथड्स का यूज किया जाता है। तो दो स्पेशल मेथड्स इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले होता है जो मेथड है, सबसे पहले है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, दूसरा है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, थर्ड पेप्टिजेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जो कि कोलोइड मिल्स में इस मेथड का यूज किया जाता है, या फिर इन जो कोलोइड्स मिल्स होती हैं, मिल होती हैं, और जो उनको बाल मिल्स भी बोला जाता है, या फिर अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर भी बोला जाता है। जो कोलोइड मिल्स होती हैं, इसमें दो स्टील की डिस्क होती हैं, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये स्टील की डिस्क होती हैं। क्या होती है, स्टील की डिस्क होती हैं, जो कि रोटेट करती हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इनकी जो स्पीड होती है 7000 रिवोल्यूशन होती है पर मिनट में। और इसमें क्या होगा, ये जो मिल्स होती हैं, इसमें जो साइज होता है, ऊपर से यहाँ पे होलो शाफ्ट होता है जिसमें से सस्पेंशन को डाला जाता है, ये जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, इनकी जो रिवोल्यूशन होगी 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट की होंगी। जब यहाँ से सस्पेंशन डाले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो जब ये मूव करती है, रोटेट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है, और ये जो ये वाले पार्ट होते हैं यहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिससे कि कोलोइड्स बनते हैं, कोलोइड के साइज के पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये जो है ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में ये जो मेथड है, इसे ब्रिज मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड में जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, जैसे कि मेटल का, किसी मेटल का, जैसे कि गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनियम का, ऐसा सॉल्यूशन लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सबसे बाहर वाला कंटेनर है जिसके अंदर आइस होती है, बर्फ होती है, और इसके अंदर एक और कंटेनर होता है जिसके अंदर मीडियम होता है, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम होता है। अब इस मीडियम के अंदर दो इलेक्ट्रोड होती हैं, ये मेटल की इलेक्ट्रोड होती हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, और इन इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क लगाई जाती है। इसमें क्या होगा कि ये जो है इंटेंस हीट होती है आर्क पे ऊपर, यानी कि जब हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये जो आर्क होती है ये गर्म होती है, गर्म हो जाती है जब सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिससे मेटल जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता है, यानी इतनी गर्म हो जाती है कि मेटल्स वेपर्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन बाहर वाले जो कंटेनर है उसमें आइस होती है, यानी कि बर्फ होती है, वो करता है उस वेपर्स को कंडेंस कर देता है, तभी इमिडिएटली आइस कोल्ड वाटर की वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं, जिससे कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड होता है। नेक्स्ट होता है पेप्टिजेशन। पेप्टिजेशन वो प्रोसेस है जो कि फ्रेश प्रेसिपिटेट को कोलोइडल पार्टिकल्स में तोड़ देता है, जब उसे पर्टिकुलर डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक किया जाता है, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट भी डाला जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको जो ऐड किया जाता है, इसे पेप्टिजिंग एजेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल है कि हमारे पास यहाँ पे FeOH3 है, जो कि फ्रेश प्रेसिपिटेटेड है, FeOH3। अब इसको ये जब
फेरिक क्लोराइड के साथ ऐड करेंगे, इसको शेक करेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ। तो यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड को फेरिक क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे, शेक करेंगे। ऐसा करने से बहुत सारे कोलोइडल पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि FeOH3 के ही होते हैं। ये तीनों पार्टिकल्स FeOH3 के ही होंगे, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ही होंगे, और इनके साइड साइड में यानी कि इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो होते हैं ये पेप्टिजेशन होती है। नेक्स्ट होता है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। देखिए कंडेंसेशन इस मेथड में क्या होता है कि हम ज्वाइन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स को जो कि कोलोइडल साइज के होते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन जो सबसे पहला मेथड होता है केमिकल रिएक्शन में डबल डीकम्पोजिशन होती है, यानी कि जब As2O3 3H2S जब इसमें से पास की जाती है तो As2S3 प्रोड्यूस होता है, और ये जो होता है ये जो प्रोड्यूस होता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है और H2O सेपरेट हो जाता है। यानी कि हमारे पास अर्सेनियस सल्फाइड्स जो होते हैं, अर्सेनियस सल्फाइड्स होते हैं, ये जो होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन इनका सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट होते हैं बाय रिडक्शन। अब जैसे गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनियम जैसे सब्सटेंस होते हैं इनको रिडक्शन के थ्रू सेपरेट किया जाता है, इसके सोल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल AuCl3, ये गोल्ड है ना, इसमें गोल्ड है ना, इसमें इसको SnCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे गोल्ड सोल्स सेपरेट हो जाते हैं और SnCl4 3SnCl4 सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका मेथड है AuCl3 जब HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है 3H2O की प्रेजेंस में, तब भी गोल्ड सोल सेपरेट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो फॉर्मिक एसिड यानी HCWH सेपरेट होता है और HCl सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट होता है वाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इसकी H2S है, ये Br2 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो सल्फर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और H2 क्या Br के साथ मिल जाएगा। तो सल्फर जो होता है ऑप्टेन किया जाता है, यहाँ से सल्फर को ऑप्टेन किया जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है हाइड्रोलाइसिस। यानी कि जैसे कि FeCl3 है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे H2O के साथ, इसको रिएक्ट करवाएंगे तो कोलोइडल सॉल्ट्स बनेंगे FeOH3 के और प्लस 3HCl सेपरेट हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट मेथड होता है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। देखिए वो सब्सटेंस जैसे कि हमारा सल्फर और फॉस्फोरस होता है, सल्फर और फॉस्फोरस सोल्यूबल होते हैं अल्कोहल में लेकिन वाटर में वो कम सोल्यूबल होते हैं। इसी वजह से अगर कोई अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, जो हमारा अगर इनका कोई अल्कोहलिक सॉल्यूशन है जिसमें ये प्रेजेंट है, अगर उसमें वाटर को डालते हैं क्योंकि वो वाटर में कम सोल्यूबल होते हैं, तो अगर उसमें वाटर को डालते हैं तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है सल्फर और फॉस्फोरस का वो ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट होता है कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ सब्सटेंस इनटू सॉल्वेंट। जो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं सल्फर और मरकरी के वाटर में, उसे प्रिपेयर किया जाता है जब कोल्ड वाटर के वेपर्स उसमें से पास कराए जाते हैं। इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, जिससे कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है सल्फर और मरकरी का प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट होता है बाय एक्सेसिव कूलिंग। जब कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है आइस का एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि ईथर्स होते हैं, उसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रीजिंग से, फ्रीज किया जाता है मिक्सचर को सॉल्वेंट के और वाटर को, जिस वजह से इसमें कोलोइडल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं कोलोइडल्स को जनरेट करने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।